नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे कि केवीएस के रिजल्ट के बारे में, खासकर जो पीआरटी है, जीएससी है, मैक्सिमम बच्चे पूछते रहते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है। अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये आई है कि केवीएस जो रिजल्ट है उसको नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके रिजल्ट पे, और थोड़ा बहुत समय भी लग सकता है। मैंने बोला था कि ये जो आपका ये जो वीक चल रहा है इस पर रिजल्ट पे काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि केवीएस ने अपने पूरे जो बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन में एक बार भी कहीं नॉर्मलाइजेशन का वहां पे वर्णन नहीं किया था कि जो स्कोर होंगे अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो उसे नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसकी चर्चा कहीं नहीं की थी। इस कारण से अभी जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुए हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो केवीएस का जो पीआरटी का पेपर है वो भी 6-7 दिन चला है, जीएससी का भी 1 तारीख के बाद से लगातार 3-4 दिन चला है, तो ऐसे 7-8 शिफ्ट, 10-12 शिफ्ट में जब पेपर होता है तो कोई शिफ्ट आसान, कोई शिफ्ट टफ, बच्चों को फायदा नुकसान का कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। कई बार क्या होता है उनकी किस्मत ऐसी होती है कि कठिन शिफ्ट में उनको मिल जाता है, तो एक जो किस्मत का फैक्टर है उसे कितना कम से कम किया जाए, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का रोल होता है। और नॉर्मलाइजेशन अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो क्या है कि सारे बच्चों के लिए फायदे की ही बात है, उसमें नुकसान किसी का नहीं है। क्योंकि अगर कोई शिफ्ट आसान है तो जाहिर सी बात है कि उसका स्कोर क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। कोई शिफ्ट टफ है तो ऐसा बच्चा जिसे टफ शिफ्ट मिली हो उसको कहीं उसके भाग्य के चलते वो अपनी सफलता से वंचित ना रह जाए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन उसके स्कोर को बढ़ाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होगा या नुकसान। तो नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके से होते हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन जैसे आपका एसएससी वगैरह कराता है उसमें 20-20, 30-30, 40-40 नंबर के फायदे होते हैं। इवन उसमें क्या होता था कि 200 नंबर के पेपर में बच्चा 210-220 नंबर पा जाता था, लेकिन ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है वो परसेंटाइल बेसिस पे होने जा रहा है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूं कि है क्या। ये नोटिस आई है केवीएस की तरफ से, द रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज सीबीएसई न्यू दिल्ली, who conducted the KVS recruitment examination has decided to normalize the scores of candidate for the examinations which are conducted in multi shifts to take into account any variation in the difficulty levels of the question papers across different shifts for the post of PRT। किसका हो रहा है इस चीज का ध्यान देना, PRT का हो रहा है और किसका हो रहा है इस बात को भी आप ध्यान देते चलिए, जीएससी का हो रहा है, ठीक है, PRT के साथ साथ जीएससी का हो रहा है, और यहां पे देखें पीआरटी का हो रहा है, जीएससी का हो रहा है, और लाइब्रेरियन इनका हो रहा है, इनके मल्टीपल शिफ्ट हुए, इसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी टीजीटी पीजीटी का नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ये पीआरटी का हो रहा है। पीआरटी जो आपके नॉर्मल वाले हैं, म्यूजिक वाले का नहीं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का और लाइब्रेरियन का, क्योंकि इन्हीं के मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुए थे। दिस इज बीइंग डन सो द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर एज इन्फॉर्म द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन परसेंटाइल। अब क्या है परसेंटाइल बेसिस पे क्या होता है इस चीज को मैं समझाता हूँ। परसेंटाइल बेसिस पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए अलग अलग शिफ्ट के में होते हैं पेपर, अब हर शिफ्ट का जो टॉपर होगा, हर शिफ्ट का जो टॉपर होगा उसकी परसेंटाइल क्या होती है ली जाती है। मतलब आप ऐसे समझो कि प्रत्येक शिफ्ट का परसेंटाइल बनेगा और प्रत्येक शिफ्ट के परसेंटाइल को कंबाइन कर दिया जाएगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि सपोज करिए कि 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट में कोई बच्चा 120 नंबर पाके सपोज करिए 90% पा रहा है, और अगर 16 तारीख की थर्ड शिफ्ट में सपोज करिए ये शिफ्ट बहुत आसान थी और बच्चा 150 नंबर पाके ये क्या पा रहा है 90% पा रहा है, तो हम स्कोर को नहीं देखेंगे, भले ही 120 पा रहा है ये भले ही 150 पा रहा है, बट दोनों की परसेंटाइल सेम है। तो जब मेरिट बनेगी तो इस शिफ्ट सेकंड 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट का बच्चा और 16 तारीख के थर्ड शिफ्ट का बच्चा ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों इक्वल आगे पीछे बराबर रखे जाएंगे, इनको बराबर रख दिया जाएगा। भले ही इसका पेपर कठिन था तो नंबर 120 ही रह गया, भले ही इसका पेपर आसान था तो नंबर 150 हो गया, आउट ऑफ 180 की बात कर रहा हूं। ऐसे आपका नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा कम स्कोर ना बहुत ज्यादा ज्यादा, इसमें स्कोर बहुत तेज बूस्ट नहीं करते, ये मत आप सोचिएगा कि इसमें स्कोर का बहुत डिफरेंस आ जाएगा। परसेंटाइल बेस पे होता है तो परसेंटाइल बेस पे सभी को क्या हो जाता है, फायदा मिल जाता है, और जो आपका स्कोर होगा वो परसेंटाइल बेस पे। अब जो रिजल्ट जनरेट होगा तो उसमें एक तो रॉ स्कोर होगा,
नॉर्मलाइज स्कोर हो सकता है दे या ना दे, आपका केवल परसेंटाइल देगा, वहां पे नॉर्मलाइज स्कोर की बात हट जाएगी। तो इस चीज को समझना है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आई होंगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, क्या कितना फायदा हो सकता है या किस शिफ्ट के बच्चे को फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको तब बता पाऊंगा जब आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक लगी हुई है, उसमें आपके स्कोर कार्ड और आपके जो जो आपका स्कोर कार्ड आया था या आपका जो आंसर किया था उससे कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो उसमें आपको डिटेल वाइज क्या किस दिन आपका पेपर था, किस शिफ्ट में आपका पेपर था और उसके बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है, ये तीन इंफॉर्मेशन केवल देनी है। इस इंफॉर्मेशन के बदौलत हम आपको ये बता देंगे किस शिफ्ट वाले को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है और किसके चांसेस ज्यादा है, किसके चांसेस कम है। तो अगर ये आपके KBS या CBSE के द्वारा जो ये कदम है ये आपको कितना पसंद आया ये भी मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा है तो थम्सअप या यस जरूर कमेंट में करें, साथ में गूगल फॉर्म जरूर फिल करें। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।